सो हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल, आप सभी को न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ तारापीठ। आज है 16 अप्रैल 2024 और मेरे दो दोस्त और आ रहे हैं मेरे घर अभी, और अभी हम लोग निकलेंगे स्टेशन देवघर जंक्शन। तो अभी 3:15 में हम लोग का ट्रेन है, अभी 2:30 बजी है, हम लोग रेडी हो गए हैं, वो लोग आएगा उसके बाद निकलेंगे स्टेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। सो गाइस, देख सकते हैं कितना अंधेरा ही है अभी, और हम लोग निकल गए हैं स्टेशन की तरफ। आगे में देख रहे हैं उमा शंकर और आशुतोष भैया जा रहे हैं आगे की गाड़ी से, और हम मैं पीछे से गाड़ी से जा रहा हूँ। मैं मुझे पापा छोड़ने जा रहे हैं, और उसे भी उसके उमा शंकर का भाई छोड़ने जा रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग देवघर स्टेशन पहुँच चुके हैं, और अभी मेरे साथ है उमा शंकर और आशुतोष भैया। तो अभी देखिए ट्रेन इधर पीछे में लगा हुआ है, अभी पूरा ट्रेन खाली ही है, तो देख बैठते हैं इसमें और निकलेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और पूरा ट्रेन खाली खाली है, बहुत ज़्यादा सीट इसमें अभी अवेलेबल है, क्योंकि अभी यहीं से देवघर जंक्शन से ही ये ट्रेन खुलती है, और अभी ट्रेन 5 मिनट लेट है खुलने में। हम लोग पहले ही टाइम से पहले ही आ गए, बढ़िया बात है। तो ट्रेन से अब चलिए वेट करते हैं थोड़ा ट्रेन को खुलने के लिए, उसके बाद अभी हम लोग मूवी देखेंगे। उमा शंकर के मोबाइल में एक बहुत खतरनाक मूवी है, चलिए जिसका नाम मालूम नहीं है लेकिन वो देखेंगे। हाँ, वो भी देखेंगे, मालूम नहीं है नाम क्या लिखा, फिर भी देखना है। सो गाइस, ट्रेन खुल गई है, अभी देवघर जंक्शन से क्रॉस हो रहे हैं हम लोग। टाइम राइट टाइम से खुल गया, आप देख सकते हैं 3:15 हुआ है और अभी ट्रेन खुल गई। तो गाइस, अभी सुबह का टाइम हो गया है, सुबह 5 बजे, और अभी देखिए नज़ारा सुबह का, काफ़ी सुहाना मौसम है और बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है, ठंडा भी लग रहा है, और काफ़ी जंगली एरिया है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ताज़ा ताज़ा फ्रेश एकदम। अभी भी लेट है ट्रेन, अभी मौसम बहुत अच्छा है, और अभी ट्रेन अभी 5 बजा है, 5:25 में स्टेशन हम लोग पहुँचेंगे, मतलब 25 मिनट अभी भी है टाइम। तो 25 मिनट में अभी मौसम का नज़ारा देखते हैं, देख सकते हैं आशुतोष भैया का नींद पूरा हो गया है, सो गए थे करीब 1 घंटा सो भी लिए, और इधर उमा शंकर बहुत नींद लग रहा है पर सो नहीं पा रहा है ये। सो गाइस, देख सकते हैं अभी हम लोग बंगाल एरिया में आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं सिर्फ धान ही धान है, इधर धान हो चुका है, यहाँ हमेशा धान उगाया जाता है इधर, इधर गेहूँ कट गया है, गर्मी दिन में भी ये गेहूँ सब कटा हुआ है, इधर धान है आगे पे, उधर धान है। तो गाइस, अभी हम लोग रामपुर हार्ट जंक्शन पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट हम लोग ट्रेन से रुका हुआ है, और अभी हम लोग निकल गए हैं ट्रेन से, उधर गए तीनों, उसके बाद अब यहाँ से टोटो या टेम्पो करेंगे, उसके बाद निकलेंगे तारापीठ, चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग ऑटो पकड़ के आ गए हैं यहाँ पे तारापीठ, और अभी उमा शंकर और आशुतोष भैया को बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है, क्योंकि वो दो रात से मैच सिर्फ देख रहे हैं, और उमा शंकर कल दिल्ली से आया है, तो उसको पूरा रात भर जगा हुआ है ये ट्रेन में। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं तारापीठ, अभी चलिए मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ अभी यहाँ का क्या क्या है। अभी तो भाई देख सकते हैं ये सड़क है, मेन रोड से हम लोग नीचे इधर आ गए हैं, इसी रोड में है आगे, देख सकते हैं फूल वगैरह मालदा है। चलिए अभी आगे, अभी और है मंदिर, अभी चल रहे हैं आगे के मंदिर भी दिखाएंगे आपको। सो गाइस, अभी हम लोग प्रसाद वगैरह ले लिए हैं, और ये देख सकते हैं अभी अभी नंबर में भी लग गए हैं, उमा शंकर फोटो ले रहा है, अब मंदिर में तो कैमरा फोटो लेना मना है, तो अभी यहाँ पे हम लोग लाइन में हैं, चलिए अभी दिखा देता हूँ कितना भीड़ है। सो गाइस, ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए तारापीठ मंदिर, काली मंदिर वहीं पे है, देखो देखो यहाँ छोटा तालाब है।
सो गाइस देख सकते हैं ये है तारा माँ मंदिर, क्योंकि अभी हम लोग पूजा पाठ करके निकल गए हैं। 12 बज गया है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हम लोग 12 बज गया, अभी पूजा करके निकले हैं और भूख भी काफ़ी तेज लग गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट स्टेशन, क्योंकि 12:25 में हम लोग का रिटर्न ट्रेन है, तो जल्दी पहले स्टेशन जाना होगा। उसके बाद ही हम लोग नाश्ता वास्ता करेंगे कुछ, और प्रसाद वगैरह ले लिए हैं, चलिए चलते हैं अभी स्टेशन। सो गाइस अभी हम लोग पूर्वा पहुँच चुके हैं, वहाँ से हम लोग खाना भी नहीं खा सके क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 12 बज गया पूजा करते ही निकलते ही। उसके बाद वहाँ से हम लोग जल्दी निकले और ऑटो करके डायरेक्ट स्टेशन आए। उसके बाद फिर यहाँ गाड़ी भी लग गया था, तो जल्दी जल्दी गाड़ी पकड़ ली है। उसके बाद खाना भी नहीं खा पाए और अभी ट्रेन में ही हम लोग हैं, तो ट्रेन में कुछ चीज़ खा लिए हैं। उसके बाद अभी हम लोग पूर्वा पहुँच चुके हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है दुमका। उसके बाद मतलब आधा रास्ता तो आ ही चुके हैं। उसके बाद देवघर का इंतज़ार है, देखिए 3:30 बजे तक इसमें टाइम दिख रहा है कि 3:30 बजे तक पहुंचा देगा, तो हो सकता है लेट है क्योंकि लोकल गाड़ी है तो लेट भी होता है कभी। चलिए चलते हैं। और इधर देखिए उमा शंकर सो रहा है, ये दिल्ली से आया तो इसको बहुत ज़्यादा नींद लग रहा था, ये सो गया है। और इधर आसम दोस्त भैया भी सो गए हैं, ट्रेन चल रही है। गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और वहाँ शंकर आशुतोष भैया भी घर चले गए, उसको पहुंचाना जाना पड़ा, उसको पहुंचा के उसके बाद फिर गांव गए थे अपना पुराना। उसके बाद फिर अभी घर आ रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है और काफ़ी थक गए हैं, मतलब रात से ही 2 बजे ही सो के उठे हैं। उसके बाद नहा धो के निकल गए थे तारापीठ, उसके बाद फिर से वहाँ तो आपको पूरा में दिखाया। उसके बाद फिर आए ट्रेन में भी जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के चढ़े, क्योंकि 12:25 में हम लोग का ट्रेन था और थोड़ा लेट 12:28 में हम लोग स्टेशन ही आए, तो ट्रेन थोड़ा लेट था तो फिर हम लोग चढ़ गए। सो गाइस काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी कुछ सीख भी मिला वहाँ पे। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ का नज़दीकी स्टेशन रामपुर हाट है, तो रामपुर हाट जाके कहीं से आप जाते हैं रामपुर हाट आप जा सकते हैं वहाँ से, फिर या तो वेस्ट बंगाल भी कलकत्ता भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे नज़दीक पड़ता है रामपुर हाट जो कि तारापीठ से बहुत नज़दीक स्टेशन है, करीब 6-7 किलोमीटर है। तो वहाँ से 30 रुपये या 40 रुपये लेते हैं टोटो वाला या टेम्पो वाला लेंगे, ऑटो वगैरह वहाँ से चलते रहता है, कभी भी जाइएगा तो कभी भी मिल जाएगा वहाँ से गाड़ी। तो वहाँ से आपको चले जाना है तारापीठ, उसके बाद वहाँ से अभी एक दिन पहले भी जा सकते हैं, वहाँ पर रूम ले कर रह सकते हैं, तो जल्दी पूजा पाठ भी आप कर लेंगे अगर वहाँ पर रुकेंगे तो फिर भी देखिए वहाँ पर VIP टिकट वाले को जल्दी पूजा करने का मौका मिलता है और जनरल वाले को तो लाइन लगना पड़ता है, उसके बाद दिन भर लाइन लगना पड़ता है, मतलब 12 अगर सुबह आप 6 बजे लाइन लगते हैं तो 12 बजे आपको पूजा होगा जनरल लाइन में लगेंगे तो। और अगर आप VIP लाइन से पूजा करते तो उसमें आपको 300-500 हज़ार रुपये का ये है, मतलब VIP टिकट, तो उसमें आपको जल्दी पूजा हो जाएगा। तो हम लोग तो जनरल इससे ही पूजा किए थे, काफ़ी देर हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स काफ़ी मज़ा आया और सो गाइस तारापीठ जाने का मेरा सपना था 2017 से ही, तो आज 2024 में जाके पूरा हुआ, तो चलिए कोई बात नहीं। दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा तारापीठ में, वहाँ पे काली माँ का बहुत अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है और इसे शक्तिपीठ में भी गिनती आता है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत में 52 शक्तिपीठ है, तो उसमें से एक वो भी तारापीठ भी एक शक्तिपीठ भी है। तो वहाँ पे पार्वती माँ का आँख गिरा था तो उसे शक्तिपीठ भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ब्लॉग, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, तो जय हिंद वंदे मातरम।